बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 11 का आगाज़ किया हुआ था। अल्कोहल पढ़े, फिनोल पढ़ा। फिनोल तो बहुत इम्पोर्टेंट था एंटी टेस्ट के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। ईथर आज हमने पढ़ना है जो थर्ड नंबर पे है। इसकी इम्पोर्टेंस भी करीबन तीसरे नंबर पे आती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो फिनॉल है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंस है वो अल्कोहल्स की है, उसके बाद ईथर्स की है। ईथर्स में से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस को तरजीह दी जाती है। ईथर्स के अंदर से हाँ एमसीक्यू भी बन जाते हैं। ईथर्स क्या हैं, आइए ईथर्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले कि मैं ईथर टॉपिक पढ़ाऊँ, ईथर लफ्ज़ से मोहब्बत करने के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ईथर है क्या। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऑपरेशन करते वक्त आपने देखा हो कि हम एक ऐसा इंजेक्शन दे देते हैं पेशेंट को कि ऑपरेशन करना है। फ़र्ज़ करें तो इस हाथ का ऑपरेशन करना है, तो आप एक ऐसा इंजेक्शन दे देंगे कि ये हाथ में दर्द महसूस नहीं होगा। वो कौन होता है? एक्चुअली वो ईथर ही होते हैं। हाँ, अब इनके अंदर ये फ्लेमेबल होते हैं ना, इनको आग पकड़ लेती है, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इसी वजह से हम अब क्या करते हैं, इसके अंदर हैलोजन्स मिक्स कर लिए हैं। मतलब हैलोजन्स मिक्स करके अब ऐसे ईथर्स बनाए गए हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एनेस्थीसिया के लिए, मतलब उस इंजेक्शन के लिए। मतलब इसका हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, इसका बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल होता है, ये गम्स बनाते हैं, पेंट्स बनाते हैं। अब आपको पता है ये पानी के अंदर तो हल नहीं होते, तो फिर कौन सा सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर ये पेंट्स बनाए जाते हैं, डाइज बनाई जाती हैं, गम्स बनाई जाती हैं। ये एक खास किस्म के सॉल्वेंट्स होते हैं और वो नॉन पोलर होते हैं, और ज्यादातर वो कौन होते हैं, ईथर्स होते हैं। आज ईथर्स के बारे में चंद एक बातें करेंगे। ईथर्स क्या है? ईथर का जो लफ्ज है, मैं आपको वैसे बता देता हूं कि ये जो वर्ड है, ये एक वर्ड ईथर से निकला है। अब एथर का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एयर, स्काई भी होता है, क्लियर स्काई। मैं वैसे आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, मतलब ऐसी ग्लैमर वाली चीज जो शफाफ हो, जो साफ हो, एयर से निकला है, क्लियर एयर से निकला है। लिहाजा ये ईथर क्या होते हैं, आज हम देखते हैं इसके दो टाइप्स होती हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये ईथर है। सबसे पहले जो आपको पता है किसी भी शय की शनाख्त करने के लिए, उसका फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, इसकी शनाख्त पता होनी चाहिए। कैसे पता लगेगा? ये ओ होगी ऑक्सीजन, इसके दोनों साइडों पे कार्बन की चेन होगी, मतलब अल्काइल ग्रुप होगा। हाँ, फिनाइल भी हो सकता है, मतलब ये ऑक्सीजन है, इसके इस साइड पे फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल के भी लगाया जा सकता है, फिनाइल हो सकता है, या सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल्स हो सकते हैं, मतलब एराइल हो सकते हैं। चैप्टर 9 के अंदर मैंने बताया था एराइल किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, जो फिनाइल ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, एराइल ग्रुप। लिहाजा अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे आर आ जाए, आर मैं आपके लिए आसान तरीन कर देता हूं, अगर ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे कार्बन आ जाए तो ये ईथर की निशानी है, ये अल्काइल ग्रुप आए, मतलब यहां पे भी कार्बन है, ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बन है, और ये ऑक्सीजन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। अच्छा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लॉन पेयर बच जाते हैं। आपको याद है मैंने आपको प्रायोरिटी टेबल याद करवाया था, मैंने आपको याद करवाया था भाई से नो फ्रेंडशिप, ये प्रायोरिटी टेबल का तीसरा ग्रुप था, चौथा था, पांचवा, छठा, सातवा। और आपको पता होना चाहिए कि ये छठी लाइन मैंने आपको याद करवाई थी, उस से टीचर ने पूछा। अच्छा, ऑक्सीजन का छठा ग्रुप है, छठे ग्रुप का मतलब इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, ये आपके लिए निशानी है, मतलब आप उसका ग्रुप चेक करके चेक कर लें कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पूरे कितने करने हैं, 8। कितने चाहिए, 2। इसका मतलब इसने 2 बॉन्ड बना लिए,
हाँ, अगर दो बॉन्ड बना लिए, एक ने इधर बॉन्ड बनाया, एक ने इधर बॉन्ड बनाया, दो ने बॉन्ड बना लिया, टोटल आखिरी चल में छह थे, इस मतलब दो पेयर हमें नजर आ रहे हैं, इन्हें लॉन पेयर कहेंगे। इस पे मैंने इतनी ज्यादा बहस क्यों की है, इसलिए बहस की है कि आपको पता होना चाहिए जो इथर्स हैं ये लेविस बेस के तौर पर एक्ट करते हैं, मतलब इनके पास लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, और ऐसी शेयर जो लॉन पे डोनेट कर दे, फॉर एग्जाम्पल एच पॉजिटिव हो, मतलब प्रोटॉन हो, वो कमारा है बिल्कुल, एच के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसने एच पॉजिटिव बना दूं मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो कहेगा कोई है इलेक्ट्रॉन देने वाला, ऑक्सीजन कहेगी हाँ है ना मेरे पास इजाफी है, ये उसको लॉन पे दे देगी, मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, इसका मतलब ईथर्स के पास लॉन पेयर की मौजूदगी की वजह से हम क्या कहते हैं कि ये लेविस बेस के तौर पर एक्ट करते हैं, ये एंटी टेस्ट वगैरह का एमसीक्यू है। अभी हम देखते हैं ईथर्स की दो टाइप्स होती हैं, कौन सी हैं आज ये देखते हैं। एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल, आज ये देखते हैं सिमेट्रिकल एथर्स कौन से होते हैं और अनसिमेट्रिकल कौन से होते हैं। अच्छा, मैं वैसे आपको बता देता हूं कि इन्हें सिंपल भी कहते हैं, सिंपल इन्हें मिक्स्ड भी कहते हैं, और ये कॉमन सिंपल, ये आपके नॉलेज के बताया वैसे आपको। अगर इस ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे एक जितनी कार्बन की तादाद है, एक जितनी कार्बन की तादाद मतलब एक जैसे ग्रुप हैं, इफ देयर आर द सेम टाइप ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स अटैच विद द ऑक्सीजन ऑन द बोथ साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे अगर फर्ज करें यहां पे भी एक ही कार्बन है, यहां पे भी एक ही कार्बन है, एक कार्बन का एक बॉन्ड है, तो बाकी एच कितने आएंगे, तीन, मतलब मिथाइल मिथाइल। हाँ, अगर दोनों साइडों पे मिथाइल मिथाइल आ गया तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्री हर उस चीज को कहते हैं जो रिपीट कर, मतलब खूबियां रिपीट हो, मतलब इधर से वैसे नजर आए तो दूसरी साइड से भी वैसे नजर आए। मैं मिसाल देता हूं, ये इंसान का फ्रंट अगर देखा जाए तो ये बॉडी यहां से बिल्कुल इधर से और इधर से सिमेट्रिकल शबाहत होती है। आपको ये सिमेट्री का लफ्ज आपने पार्ट वन में भी पढ़ा हुआ है क्रिस्टल्स के अंदर, के वो सिमेट्रिकल होती हैं, मतलब तमाम अतराफ से खूबियां एक जैसी होती हैं, फेसेस एंगल्स, यही बात यहाँ पे अप्लाई होगी कि अगर ऑक्सीजन के इधर और इधर एक जैसी चीज है तो दिस इज सिमेट्रिकल, और अगर इस ऑक्सीजन के इधर फर्ज करें मैंने लगा दिया मिथाइल, जबकि इधर मैंने लगा दिया C2H5 मतलब इथाइल। हाँ, अब ये इथाइल मिथाइल ईथर है, अब दोनों साइडों पे डिफरेंट कार्बन्स हैं, अब दोनों साइडों पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे सेम अल्काइल ग्रुप्स हैं, अगर सेम अल्काइल ग्रुप्स होंगे सो दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल। मैं लिख देता हूं सेम अल्काइल ग्रुप्स ऑन द बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ऑक्सीजन, फंक्शनल ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे अगर एक जैसे अल्काइल ग्रुप हो तो फिर क्या होगा, सिमेट्रिकल, और अगर दोनों साइडों पे डिफरेंट हो तो फिर क्या होगा, ये दोनों अगर डिफरेंट आ जाएं तो फिर हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल कहेंगे। ये दो टाइप्स होते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि ईथर्स का हमने नाम कैसे रखना है। अभी जानबूझ के यहाँ पे मैं नाम नहीं रखा क्योंकि अभी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नॉमनक्लेचर, कि कैसे नाम रखेंगे। ईथर्स को वैसे ज्यादातर याद रहे कि कॉमन नेम से याद किया जाता है, इनका जो आयोपेक नेम्स होते हैं वो कम यूज किए जाते हैं क्योंकि वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इसीलिए रोजमर्रा जिंदगी में लैब्स के अंदर केमिस्ट्री की दुनिया में ज्यादातर ईथर्स को सिंपल नेम से याद रखा जाता है, कॉमन नेम से याद रखा जाता है।
आज ही हम देखते हैं इनका नाम रखने का तरीका क्या है। सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं, फिर साथ ही हम इसका आयुपेक नेम भी देख लेते हैं। साइंस में, केमिस्ट्री में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 8 के अंदर। कैसे नाम रखेंगे, अब फर्ज करें ये ऑक्सीजन है, इसके इधर भी CH3, इधर भी CH3 है। अब ये क्या हुआ, मिथाइल मिथाइल। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ये डाई मिथाइल ईथर है। मतलब हमने नाम कैसे रखा, पहले आपने अल्काइल ग्रुप का नाम रखना है, अल्काइल ग्रुप, और एंड पे उसकी जो सफिक्स यूज करनी है दैट इज वर्ड ईथर, ईथर का लफ्ज लगा देना है। मसलन ये ऑक्सीजन है, इसके इधर भी C2H5 और इधर आ गया CH3। अब ये एक कार्बन वाला है मिथाइल होगा, अब ये दो कार्बन हैं इथाइल होंगी। अच्छा, अब क्या करें, पहले नाम किसका रखने, अल्काइल का, तो आपने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फाबेटिकली मतलब एबीसी में ई पहले आता है या एम पहले आता है, ई पहले आता है तो पहले हम क्या लिखेंगे, इथाइल, इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल, हाँ इथाइल मिथाइल, और इसके एंड पे सफिक्स क्या यूज करनी है, ईथर। ये सादा नाम रखने का तरीका है। अगर इसका आयोपेक नेम रखना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे इन दोनों में से देखेंगे कौन सी लंबी चेन है, उसको हम सफिक्स बनाएंगे, उसको पेरेंट चेन बनाएंगे, उसको एंड पे रखेंगे। मसलन अब यहां देखें तो दोनों एक एक कार्बन है, तो जिसको मर्जी रख ले, एक कार्बन, हाँ अब ये CH3 है, एक कार्बन, सफिक्स बनानी है, पेरेंट चेन बनाना है, तो मिथाइल की बजाय मैं क्या लिखूंगा, मीथेन। एक कार्बन है इसीलिए क्या लफ्ज आया, मीथेन। हाँ ऑक्सीजन के साथ मिला के इसको पढ़ना है, क्योंकि इसको मैंने एंड पे रख दिया, इस ऑक्सीजन को साथ मिला के पढ़ूंगा तो क्या बनेगा, मिथाइल और ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, मेथ ऑक्स मिथॉक्स। अच्छा, इसका मतलब ये बन गया मिथॉक्सी मीथेन, मेथ एक कार्बन की वजह से, ऑक्सीजन वैसे ऑक्सी, तो क्या बन गया मिथॉक्सी। तो फिर अब यहां क्या करूंगा, इसमें से और इसमें से बड़ी चेन कौन सी है, C2H5, मतलब दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है, ये ज्यादा लंबी चेन है, तो फिर इधर मैं क्या रखूंगा, इधर रखूंगा इथेन। इसका मतलब जो कार्बन ज्यादा हो उसको एंड पे लिखना है, उसको पेरेंट चेन बनाना है, मतलब जो बड़ा अल्काइल ग्रुप हो जिसमें ज्यादा कार्बन की तादाद हो उसको एंड पे लिखना है, और पेरेंट चेन बनाते वक्त उसको अल्केन की सूरत में लिखना है, अल्काइल ही लिख देना, CH5 इथाइल ही लिख देना, इथेन। तो इसको क्या करना है, फिर इसको ऑक्सीजन के साथ मिला के पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, एक कार्बन मिथाइल, ऑक्सीजन ऑक्सी, मिथॉक्सी, मतलब दोनों को जब मिलाया तो लफ्ज क्या बन गया, मेथ उसका लिया और ऑक्स उसका लिया, मतलब मिथॉक्सी इथेन। लिहाजा हमने क्या पढ़ा, अगर इनका नाम रखना हो ज्यादातर कॉमन नेम इस्तेमाल करते हैं, अगर दोनों अल्काइल सेम हो तो प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लें डाई। अच्छा, अगर दोनों डिफरेंट हो तो फिर हम उनको अल्फाबेटिकली नाम रखेंगे, पहले इथाइल आता है तो इथाइल लिखूंगा, बाद में एम आता है एबीसी में तो बाद में मिथाइल लिखूंगा, और एंड पे क्या लफ्ज इस्तेमाल करना है, ईथर का, और हाँ यहाँ पे फिर पेरेंट चेन किसको बनाना है, जो ज्यादा लंबी चेन होती है उसको एंड पे रखें, और साथ ऑक्सीजन को छोटे ग्रुप के साथ मिला के पढ़ना है तो क्या बनेगा, मिथॉक्सी बनेगा। एक मैं आपके नॉलेज के लिए बात बता देता हूं आपको, यहां पे आपके 88 लेवल में नहीं है लेकिन फिर भी हल्का से एक जगह पे मैंने जब से पहले भी बोला था, जब आपको चैप्टर 10 पढ़ाया था तब पढ़ाया था, और चैप्टर 8 पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था।
चैप्टर 10 के अंदर ग्रिग्नार्ड एजेंट के जो रिएक्शंस हैं वो एंड पे जाके हमने एक एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन पढ़ा था बिल्कुल एंड पे। हाँ, एपॉक्साइड का मतलब क्या था, ये फर्ज करें इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और याद है सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में हमने क्या किया था, इस पाई बॉन्ड को तोड़ के इसके ऊपर ऑक्सीजन लगा दी थी। ये भी ईथर है, ये भी ईथर की डेफिनेशन पे पूरा उतर है, ऑक्सीजन के दोनों छोड़ पे कार्बन की चेन है, मतलब यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन, इसीलिए मैंने लफ्ज आर की बजाय अल्काइल की बजाय मैंने कहा था दोनों साइडों पे कार्बन का होना शर्त है, ये ईथर की प्रॉपर्टी रखता है। हाँ, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइक्लिक ईथर, ये साइक्लिक ईथर है, इसे वैसे एपॉक्साइड भी कहते हैं, इसे वैसे दो कार्बन है, इसे इथाइलीन एपॉक्साइड भी कहते हैं। हाँ, वैसे इसे ऑक्सीरेन भी कहते हैं, ऑक्सीरेन भी कहते हैं, एक ऑक्सेन भी होती है, ऑक्सेन मसलन जैसे साइक्लोहेक्सेन होती है, एक दो तीन इधर चार और ये पांच कार्बन। हाँ, यहां पे छठी कार्बन नहीं लगानी, ऑक्सीजन लगा देनी है। ये क्या है भला, ये ऑक्सेन है, ये असल में साइक्लिक ईथर है। क्राउन ईथर्स भी होते हैं, क्राउन की तरह वो बड़े लंबे चौड़े स्ट्रक्चर्स हैं, ये काफी ज्यादा साइकल्स आपस में इस तरह मिल जाएंगे, एक साइकिल फिर इसका दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, वो आपका मतलब आपके काम की चीज नहीं है, एफएससी लेवल पे काम की चीज नहीं है, इसीलिए सिर्फ हल्का सा सिर्फ मैंने आपको बता दिया। साइक्लिक ईथर्स भी होते हैं, ईथर्स बड़ी जबरदस्त चीज है, इसके बहुत ज्यादा मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। आपने ये याद रखना है कि ईथर दोनों हो सकते हैं, ओपन चेन भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं। अभी हम चेक करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, उसका नाम रखने का तरीका, एक कॉमन भी होता है और एक आयुर्वेद भी होता है। उसके बाद हमने कहा कि साइक्लिक ईथर्स भी होते हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं कि हाँ, जो ईथर्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उनको तैयार करने का तरीका क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस, ये एक शख्सियत का नाम है विलियमसन, ये इसने बनाया था काम, मतलब ये इसने तैयारी बताई थी, इसीलिए उसी के नाम की वजह से इसको याद रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है ईथर्स में से, इस शॉर्ट क्वेश्चन को तरजीह दी जाती है। कैसे तैयार करना है, अल्कोहल से। आपको मैं पहले भी एक बात बता चुका हूं, अल्कोहल वो होता है जिसमें क्या हो, OH हो, इसके पीछे फर्ज करें ये कार्बन की चेन है, इसके हाइड्रोजन पूरे कर लें, आगे पीछे दो बॉन्ड हैं तो बाकी एच कितने आएंगे, दो, एक बॉन्ड है बाकी एच कितने आएंगे, तीन, ये कौन है, अल्कोहल। हाँ, आपकी आसानी, मैंने यहां दो लिखना था बैलेंसिंग के लिए, जब मैंने इसके अंदर कोई भी मेटल फेंकनी है, आपने आपको मैं पहले बता चुका हूं, अगर मैं इस दो लिखने की बजाय इसको ऐसे लिख दूं CH2 CH3 और ये है OH, सोडियम फेंकी, फायदा क्या हुआ, अंदर हाइड्रोजन गैस, मेटल फेंकी है ना तो कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये कौन है, Na इलेक्ट्रोफाइल की खूबी रखता है, तो फिर इसका OH बॉन्ड टूटेगा, ये अल्कोहल के अंदर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। हाँ, जब ये हाइड्रोजन गैस निकल गई तो बाकी क्या बचा, एक Na इधर आ गई, एक Na इधर आ गई, तो 2 Na बैलेंस करने की खातिर ये भी दो ये भी दो। हाँ, ये क्या है, नेगेटिव, और इस पे चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O के पास कौन आ गया है, Na, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये टोटल दो हैं, ये भी दो हैं, तो यहां पे दो लिख लीजिए। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, अल्कोहल लेके मेटल फेंकी, हाइड्रोजन गैस चली गई। इसका फायदा क्या है, ये सोडियम एथोक्साइड है, एथोक्साइड है, इसका क्या फायदा है, आइए देखते हैं।
इसका ये फायदा है कि CH3 CH2 ONA है, इसके अंदर अल्काइल हैलाइड डाल दें। क्या मतलब? अल्काइल मतलब CH2 CH3 ले लिया, अल्काइल मतलब इथाइल ले लिया, अल्काइल हैलाइड क्या फायदा हुआ? अल्काइल हैलाइड का फायदा क्या हुआ? इधर कौन है? हैलोजन सोडियम को लेके भाग जाएगा, क्या करेगा? ये निकल जाएगा NaBr, हाँ NaBr दफा हो गया, चला गया। तो ये क्या करेगा? एथोक्साइड इस अल्काइल के साथ जुड़ जाएगा, लिहाजा दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप आ गया है, दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप आ गया है, दोनों साइडों पे इथाइल ग्रुप आ गया है, दोनों साइडों पे कार्बन आ गई है, कौन बन गया? ईथर बन गया। यही हमें तैयार करना था। तो ये ईथर की पहली तैयारी है। आज ये ईथर की एक और तैयारी पढ़ते हैं। दो दो प्रिपरेशन है हमारी किताब में एफएस लेवल पे। अभी हमने सोडियम एथोक्साइड के अंदर जैसे हमने अल्काइल हैलाइड बनाया ना, तो अल्काइल हैलाइड से डायरेक्ट भी ईथर से तैयार किए जा सकते हैं। कैसे? मतलब फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से भी तैयार किया जा सकता है। कैसे? आप अल्काइल ले लें, मतलब दो कार्बन ले ली, चले इथाइल ले लिया, सात हैलोजन लगा दिए, इसके एच पूरे कर लिए, आगे पीछे दो बॉन्ड हैं, तो बाकी एच कितने आए? दो, क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाती है? चार। एक बॉन्ड है, बाकी एच कितने आए? तीन। हाँ, इथाइल ब्रोमाइड है। आपकी आसानी की खातिर मैं यहां दो के बजाय अगर यहां पे दो दफा लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं होगा। CH3 CH2 Br दो दफा क्यों लिखा? क्योंकि अल्काइल हैलाइड को जैसे आप सिल्वर ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे, फायदा क्या होगा? आपकी खातिर मैं सिल्वर ऑक्साइड को भी खोल के लिख देता हूं। मसलन ये AgO जो है, अगर यहां पे लिख दूं Ag और यहां पे लिख दूं Ag, आप देखें कि ये कौन बना? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखें दो अल्काइल बचे, दरमियान में कौन बची? ऑक्सीजन। यही आपको सिखाना था कि क्या बन गया? CH3 CH2 दरमियान में O बची, इधर आगे क्या बचा? CH2 CH3। हाँ, ये इथाइल उल्टा लिखा, ये इथाइल सीधा लिखा, और दरमियान में यहां पे लाके दोनों के दरमियान में कौन जोड़ दी? ऑक्सीजन जोड़ दी। क्या बना? इथाइल। क्या बना? इथाइल। इसका मतलब क्या बन गया? डाई इथाइल, दो इथाइल, और एंड पे हमने सफिक्स क्या यूज करनी है? ईथर, डाई इथाइल ईथर। वैसे आपकी सानी के लिए हमेशा यहां पे मैं लॉन पे लगाता हूं ताकि आपको याद रहे ईथर्स लेविस बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। प्लस क्या निकला? सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब AgBr। एक दो, बैलेंसिंग की खातिर मैं यहां पे दो ही लेता हूं, कोई इतराज। ये बड़ी सादा सा, मतलब ईथर बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है। मैंने पहले भी बताया था चैप्टर 11 उन बच्चों के लिए है जो पेपर में पास होने से भी डरते हैं, मतलब चैप्टर 7 चैप्टर 9 10 11 13 ये इंतहाई आसान चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये बड़े छोटे छोटे मतलब टॉपिक्स हैं, दो तीन, ये सिर्फ इसकी दो ही प्रिपरेशन थी। ये पास होने के लिए बड़ा आसान तरीका है। आगे देखते हैं कि क्या ईथर से कोई रिएक्शंस भी हैं। वैसे ईथर्स के ऊपर एसिड्स का, बेसिस का, अमोनिया वगैरह का नॉर्मल कंडीशंस में कोई इफेक्ट नहीं होता। इवन दैट ये ऑक्सीडेशन भी देना पसंद नहीं करते, रिडक्शन भी देना पसंद नहीं करते। मतलब ईथर आसानी के साथ रिएक्शन नहीं देते। इनके बारे में एक लफ्ज में बस सिर्फ बता देता हूं आपको, ईथर्स आर इनर्ट। इनर्ट मीन ये रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। जैसे हम पढ़ते हैं ना नोबल गैसेस के बारे में, इनर्ट होती हैं। तो आइए कुछ खास कंडीशन में क्या इनके रिएक्शन हो सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया ईथर्स के अंदर तो लॉन पेयर मौजूद है ऑक्सीजन के ऊपर, ये लेविस बेस के तौर पर काम करेंगे, ये अपना लॉन पेयर दे सकते हैं। हाँ, इसका मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हो जो बड़ी आसानी से हाइड्रोजन दे दे तो ये उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। आज ये देखते हैं इसका कोई एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ऐसा ही रिएक्शन जो है, हाँ बिला रिएक्शन पढ़ने से पहले दो अल्फाज जरूरी पढ़े हमने कि जो ईथर्स हैं आर
इनर्ट, इनके ऊपर ज्यादातर किसी शय का इफेक्ट नहीं होता, ये रिएक्शन देना पसंद नहीं करते, ये नॉन पोलर होते हैं, इन्हें आग पकड़ लेती है, ये मोर वोलेटाइल होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, इनके मतलब जितनी नॉन पोलर चीजें हैं आप ईथर के अंदर हल कर सकते हैं। हाँ, ईथर्स जो हैं, मैंने आपको बताया एनेस्थीसिया में इनका इस्तेमाल होता है। अगर ईथर्स के बारे में, रिएक्शंस के बारे में एक बड़ी बात पढ़नी है तो पहले ये पढ़नी जरूरी है, ईथर्स आर लेविस बेस, ये लेविस बेस के तौर पर काम करते हैं, ये एंटी टेस्ट का एमसीक्यू है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ईथर्स के पास इधर भी इथाइल लगा दो, इधर भी इथाइल लगा दो, C2H5 ईथर्स के पास ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर मौजूद होते हैं दो, ये मैं पहले बता चुका हूं कैसे होते हैं, आप पीछे जाके सुन सकते हैं। हाँ, अगर ये लॉन पेयर हैं, ये किसी को डोनेट कर सकते हैं, तो अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि वो आसानी के साथ हाइड्रोजन दे सकता है। आपने कभी सुना है HCl, आपने नाम सुना होगा, HBr, HI। आज मैं आपको बताता हूं ये पीरियोडिक टेबल की लाइन है, फरजाना कल बार आई, आपकी खातिर बता रहा हूँ, टोटका बता रहा हूँ, ये पीरियोडिक टेबल आपको मैंने सिखाया हुआ है, भाई से नो फ्रेंडशिप, ये आपको सिखाया हुआ है, भाई से नो फ्रेंडशिप, और ये फरजाना कल बार आई, आई कहाँ पे, एट 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 द डॉक्टर्स एकेडमी, एट कुछ भी कह सकते हैं आप, एट योर कॉलेज गेट, ये वैसे आपके नॉलेज के लिए टोटका बताता हूँ सिर्फ। हाँ, ये एस्टोनियम का हम अक्सर जिक्र नहीं करते क्योंकि अनस्टेबल है, ये फरजाना कल बार आई ऊपर से नीचे की तरफ आपने क्या पढ़ा हुआ है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो इनमें सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का। अगर आयोडीन के साथ हाइड्रोजन है, ब्रोमीन के साथ है, क्लोरीन के साथ है, इसका मतलब फ्लोरीन के साथ यहां भी है, हाइड्रोजन बड़ी करीब है, पकड़ी हुई है, नहीं देगा, क्लोरीन थोड़ा सा दूर हो गया, साइज बड़ा हो गया ना उसका, ठीक है ले जाओ, ब्रोमीन और बड़ा हो गया, आयोडीन और बड़ा, आयोडीन का साइज इतना बड़ा है कि हाइड्रोजन इतनी दूर चला गया है कि वो इधर मुंह करके बैठा है कि ठीक है ले जाओ, मतलब एच निकालना आसान है, ये बड़ी आसानी से हाइड्रोजन देता है, एच आई एक अच्छा एसिड है, इसका एच निकल सकता है। आइए चेक करते हैं कि जैसे ये एच देगा हमें क्या फायदा होगा, हमें ये फायदा होगा, आगे मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इक्वेशन नीचे को लिख रहा हूं, ये हाइड्रोजन लॉन पेयर ले लेगा, मतलब एच पॉजिटिव इसके घर गया, आई नेगेटिव मैंने साइड पे कर दिया। हाँ, एच पॉजिटिव का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, हूबहू वैसे लिख रहा हूं मैं आपकी सानी खातर, चले मैं उल्टा लिखता हूं, C2H5O C2H5, लॉन पेयर है था इसके पास, इसने लॉन पेयर दे के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, अब ये इसके ऊपर एक एच पॉजिटिव ज्यादा हो गया है, ये डोनर है, इसके पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, इसके बॉन्ड तीन बने हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगले ही स्टेप में, अगली क्वेश्चन में डायरेक्ट यही लिख देता हूं, ये दोनों दोबारा से क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड बन चुके हैं, हाइड्रोजन को कंपनसेट किया है, हाइड्रोजन सॉल्यूशन में फिर रहा था, कोई है मुझे बॉन्ड देने वाला, कोई लॉन पेयर देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, एच पॉजिटिव बिल्कुल रो रहा था, एच पॉजिटिव मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, इसने कंपनसेट किया, लॉन पेयर दिया, एसिड बेस का रिएक्शन हो गया। अब क्या होगा, ये तीन बॉन्ड बन चुके हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, फौरी अपना इथाइल ग्रुप क्या करेगी, साथ वाले को दे देगी, ये आई नेगेटिव है, ये लेके चला जाएगा, क्या बनेगा, C2H5I, अल्काइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। हाँ, इधर क्या बना, ये बना C2H5OH, अल्कोहल बन गया है, दो कार्बन, इथाइल अल्कोहल, इथाइल आयोडाइड, और इसका नाम एथानोल भी होता है, आपने पढ़ा हुआ है, इथेन के एंड पे ई को हटा के OH आ गया, इसीलिए क्या लगा देना है, ओल, क्योंकि अल्कोहल्स के एंड पे ओ लगाते हैं।
इसका एक और भी रिएक्शन है जो आपके एफएससी लेवल पे क्लियर है, मैं वो भी करवा देता हूँ, लेकिन उसके लिए एक आसान तरीन तरीका बताता हूँ, इंतहाई आसान तरीका बताता हूँ कि आपके लिए फौरी रिएक्शन करना आसान हो। ईथर्स क्या होते हैं? ओ, इसके इधर भी C2H5, इसके इधर भी C2H5, जहां मुझे ऐसे लिखा है सीधा, मतलब इसलिए नहीं लिखा था कि इसलिए इस तरह आपके लिए आसानी होगी। क्या मतलब? हमने इसका PCl5 के साथ रिएक्शन करवाना है, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाना है। वैसे PCl5 पता है कैसे होता है? ये P है, यहां भी C है, यहां भी C है, यहां भी C। पंखे के परों की तरह तीन ऐसे पर निकलें, तीन Cl ऐसे बाहर निकलें, समझ आ गई? ये प्लेन है। अब इसके एक ऊपर Cl है, एक नीचे Cl है, मतलब ये फास्फोरस के यहाँ पे पंखे के परों की तरह तीन Cl बाहर निकले हैं और एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा, ये मैंने तीन मिला के लिख दिए, ऊपर और नीचे ये देखें जरा, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा है, थोड़ा सा करीब करके लिखा है, क्योंकि ये क्या निकल गया? अल्काइल हैलाइड। ये क्या निकल गया? अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्शन तो हो गए, क्या क्या हुआ, क्या हुआ हमारे पास इसमें, क्या बना? C2H5Cl कितने बने? दो प्लस क्या बना? POCl3। अच्छा, ये तो बहुत आसान था, ये हमारे पास एक आसान एक रिएक्शन और भी था। सामीन नाज़रीन, ये इथर्स था, चैप्टर 11 खत्म हुआ। कोई सवाल हो, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ रह गई हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब मिल सके। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी, चैप्टर 12 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बड़े ही आसान और अच्छे वाले लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह चैप्टर 12 के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में एल्डिहाइड्स के टोन्स आप घरों पे, किचन के अंदर हर जगह देखते हैं, खाते पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।